कोडरमा रेलवे कॉलोनी में पावर हाउस के समीप रेलवे इलेक्ट्रिकल गोदाम में रात के अंधेरे में चोरों ने लाखों रुपए के कॉपर तार समेत इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की चोरी कर ली। गोदाम के मेन गेट का ताला तोड़कर चोर गोदाम में दाखिल हुए और वहां रखे कॉपर कॉइल, अर्थिंग प्लेट, MCB, कंट्रोलर पैनल और केबल समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। इस दौरान चोरों ने गोदाम में रखा दूसरा सामान भी बिखरा दिया। हाल ही में इस गोदाम में बिहार के शेखपुरा से बिहार शरीफ तक रेलवे प्रोजेक्ट में लगने वाले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का खेप रखा गया था। यह गोदाम कोडरमा स्टेशन से सटा हुआ है। रेलवे के संवेदक मुकेश कुमार यादव ने बताया कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने पाया कि गोदाम का ताला टूटा हुआ है और अंदर से लाखों रुपए के सामान चोरी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि चोरी में गए सामान बिहार शरीफ से शेखपुरा तक रेलवे के नए प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए जाने थे। फिलहाल इसकी सूचना GRP थाने को दे दी गई है। कोडरमा से विकी केसरी की रिपोर्ट। घटना सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे तो देखे जो ताला टूटा हुआ है और उसके बाद में गेट खुला हुआ था। यहाँ पे कुछ दिन पहले बिहार शरीफ से शेखपुरा का मटेरियल रखा गया था और रखा गया था। जब हम स्टोर में घुसे तो देखे जे वो कॉपर का जो भी आइटम है जो बिहार शरीफ से शेखपुरा का है वो नहीं है। और ये कल शाम तक हम इधर से जा रहे थे तो ठीक ही था। रात का ये घटना है। क्या क्या चोरी हुआ है? कितने की चोरी हुआ है? 4 कोर 60 mm कॉपर केबल था, उसके बाद में MCCB था, कंट्रोलर था, उसके बाद में पैनल छोटा था और उसके बाद में कॉपर प्लेट अर्थिंग था। कितने और का सामान होगा? लाखों रुपया के आसपास का ये सामान है। किस चीज में इस्तेमाल होता है ये? रेलवे के इलेक्ट्रिकल में यूज होता है। बिहार शरीफ से शेखपुरा में प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी का मटेरियल यहाँ रखा हुआ था।